नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीएम और एसएसपी ने शहर के विभिन्न घाटों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने का दिया निर्देश। दिवाली पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया रेशमी शहर, पूजा पंडालों में गूंजने लगे भक्ति गीत। पहली बार बहुउद्देश्य प्रशाल में लगा छात्र दरबार, कुलपति ने दिव्यांग समेत 556 छात्रों को दी डिग्री। बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, खनन विभाग ने की कार्रवाई। और रंगोली प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने मारी बाजी। और अब समाचार विस्तार से। आगामी त्योहार काली पूजा और छठ पर्व को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शहर के विभिन्न गंगा घाट एवं विसर्जन घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, पुलिस लाइन डीएसपी संजीव कुमार, ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह भी मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने विभिन्न छठ घाटों पर पर्व के सुचारू आयोजन के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की, साथ ही कई दिशा निर्देश दिए। वही बरारी पुल घाट के निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था में और तेजी लाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही स्थल पर श्रद्धालु के सुविधा के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। वही विसर्जन घाट के निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए स्मार्ट सिटी के सौजन्य से निर्मित कृत्रिम तालाब का अवलोकन किया। इसके अलावा सभी आला अधिकारियों ने चंपा नदी घाट का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों की मांग को देखते हुए सिंचाई विभाग को निर्देश दिया जाएगा कि जल्द से जल्द डीपीआर तैयार कर चेक डैम का काम कराया जाए, जिससे आसपास के किसानों को सिंचाई में काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि घाटों में पानी को देखा जा रहा है, अगर पानी की जरूरत होगी तो डैम से पानी खुलवाया जाएगा। भ्रमण के क्रम में जिलाधिकारी पर्वती बुढ़िया काली स्थान भी गए, जहाँ उन्होंने स्थानीय पूजा समिति के सदस्यों से बातचीत की। वही निरीक्षण के दौरान एसएसपी आनंद कुमार ने विभिन्न घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि विसर्जन घाट पर सादे लिबास में भी अधिकारी और जवान मुस्तैद रहेंगे, जबकि जिला प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ टीम को गंगा नदी में निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। नगर निगम के सहयोग से अच्छा, हर एक साल यहाँ पर बहुत बढ़िया छठ का आयोजन होता है। काफ़ी भीड़ भी रहती है, शहर के भी लोग, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी काफ़ी संख्या में छठ व्रति आते हैं। तो सारी हम लोगों की व्यवस्था रहेगी, साफ़ सफाई देख रहे हैं अभी भी बेहतर है, उसको और इम्प्रूव किया जाएगा। और जो भी सुविधा प्रशासन के स्तर से होती है, नाव, गोताखोर, एसडीआरएफ, ये सब हम लोग प्रतिनियुक्त करेंगे। इसके अतिरिक्त चूँकि स्थानीय लोगों की डिमांड है कि यहाँ एक चेक डैम भी बनना चाहिए, चेक डैम के बनने से सिंचाई की सुविधा कई गांवों में बेहतर हो पाएगी। तो हम लोग लघु सिंचाई विभाग को लिख देंगे कि यहाँ चेक डैम का एक डीपीआर तैयार करवा लिया जाए और उसको समय के साथ स्वीकृति मिल जाए, ताकि जो चंपा नदी पौराणिक रही है और इससे सिंचाई की व्यवस्था। पूजा समिति का सर मांग हो रहा है कि जलस्तर में सर कमी देखी जा रही है, उसको हम लोग देखते हैं उसमें एक बार क्या स्थिति है डैम में और उसमें अभी वर्तमान में क्या किया जा सकता है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसको हम लोग पत्राचार करते हैं, फिर अपडेट कराएंगे। चेक डैम वाला हम जो है वो कल लघु सिंचाई के कार्यपालक अभियंता को बोल करके उसका एक सर्वे करा लेते हैं और विभाग को हम लोग भेज देंगे। देश भर में रोशनी का त्योहार दिवाली रविवार को मनाया जाएगा। यह धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो साझा धार्मिक भावनाओं और समृद्धि की कामना के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के आने का लोगों को पूरे साल इंतजार रहता है, जो घरों और रिश्तों में खुशियों की मिठास खोल देता है। इस पर्व की तैयारी में सभी ने अपने घरों को आकर्षक रोशनी से सजाया है।
साथ ही दीपों से भी घरों को सजाते हैं। आज छोटी दिवाली है, इस दिन लोग अपने घर के दरवाजे पर गोबर से बनी एक दीप जलाते हैं। वही दिवाली के दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक और माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो लोग इस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं उन्हें पूरे साल धन समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हर गली मोहल्ले में भक्ति गीत बजाए जा रहे हैं। साथ ही दिवाली पर्व के अवसर पर मुख्य सड़कों एवं बाजारों को रंग बिरंगी लाइट्स से सजाया गया है। वही दिवाली के साथ साथ काली पूजा मनाने का भी विशेष महत्व है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संस्कृति और परंपरा के साथ माँ काली की पूजा की जाती है। इसको लेकर भागलपुर के विभिन्न काली मंदिरों में माता का पट सजाया गया है। कलाकारों ने मूर्ति को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके बाद दिवाली की मध्य रात्रि को माता का पट खोल दिया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि काली माता की पूजा उपासना करने से श्रद्धालु के सभी दुखों और कष्टों का निवारण होता है। अमावस्या की रात्रि में काली माता के साथ भैरव जी की भी पूजा की जाती है। यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से पूजा चली आ रही है और यहाँ जो है वैदिक के साथ तांत्रिक पद्धति का भी उपयोग होता है। और तांत्रिक विधि से, क्योंकि काली की पूजा तो तांत्रिक विधि से ही होती है, लेकिन इसमें वैदिक का भी कुट होता है। और जैसे पूजा संपन्न होती है, यहाँ जो है एक सप्तशती का पाठ होता है, जो कि मतलब पूजा संपन्न होने के तुरंत बाद शुरू होती है और यह जब तक कि 36 घंटा पाठ चलता है। ऐसा प्राय किसी स्थान में नहीं होता है और यहाँ 8 पंडितों के द्वारा पूजा होती है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पहली बार छात्र दरबार का आयोजन बहुउद्देश्यीय प्रशाल में किया गया। बहुउद्देश्यीय प्रशाल में आयोजित दरबार की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने की। बताया गया कि अधिक आवेदन आने और भीड़ को देखते हुए छात्र दरबार बहुउद्देश्यीय प्रशाल में लगाया गया। खास बात यह रही कि इस बार के छात्र दरबार में पीजी म्यूजिक विभाग के दिव्यांग छात्र अभिज्ञान को कुलपति ने स्नातक की डिग्री प्रदान की। 15वें छात्र दरबार में अधिकांश मामले डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पेंडिंग रिजल्ट, एडमिट कार्ड और उत्तर पुस्तिका से संबंधित आए। छात्र दरबार के दौरान तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य, सर्वित्य कमेटी के मेंबर मुजफ्फर अहमद, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार, प्रॉक्टर प्रोफेसर एसडी झा, पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मौके पर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि छात्र हित में हर जरूरी कदम विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उठाए जाएंगे। छात्र दरबार की सुनवाई पहले 22 जुलाई 2023 को की गई थी, जिसमें मात्र 36 छात्र थे। आज 15वां छात्र दरबार है। आज करीब छात्रों की संख्या 700 से ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कि जो 22 जुलाई मैंने जुलाई का समझे तो अगस्त और सितंबर मैंने दो अढ़ाई महीने में कितना गुना वृद्धि हुई है। ऐसा लगता है कि छात्रों का अमिट विश्वास है छात्र दरबार पर और छात्र दरबार से समस्याएं दूर हो रही हैं। छात्र जो रोते हुए आते थे अब हंसते हुए जाते हैं और काफ़ी लोगों में काफ़ी विश्वास है। छात्र दरबार को महामहिम ने स्वयं प्रशंसा की है राजभवन और सभी कुलपतियों को एक तरह से उन्होंने कहा कि छात्र दरबार मतलब के माध्यम से छात्रों की समस्याओं को दूर की जा सकती है, जिसको हिंदुस्तान अखबार ने अभी 15 दिन पहले मुख्य रूप से छापा था। और सभी लोग जाने कि छात्र दरबार क्या होती है। यह बिहार का पहला इनिशिएटिव है, पहला एक अनूठा टाइप का प्रयास है जिसे शुरू किया गया। भागलपुर में बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार छापेमारी कर रही है। बावजूद इसके बालू माफिया अवैध रूप से बालू खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती है बालू माफियाओं का गोरख धंधा शुरू होता है। इसी बीच बीते दिन भागलपुर जिला के जगदीशपुर सनहौला मोड़ चेक पोस्ट के पास जुगाड़ गाड़ी पर अवैध बालू की ढुलाई करने वाला वीडियो वायरल हो गया था, जिसको लेकर वरीय अधिकारी ने सभी क्षेत्रों के थाना प्रभारी को
अवैध बालू कारोबार पर कार्रवाई करने की बात कही थी। इसी को देखते हुए भागलपुर के खनन विभाग के निरीक्षक मुनि महेश कुमार एवं उनकी टीम ने शनिवार की अहले सुबह में जगदीशपुर थाना क्षेत्र से कार्रवाई करते हुए अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। साथ ही हबीबपुर में 8 ट्रैक्टर, कजरेली में 7 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। इसको लेकर खनन निरीक्षक मुनि महेश कुमार ने बताया कि अवैध बालू ढुलाई का वीडियो वायरल होने पर वरीय अधिकारी ने छापेमारी करने का आदेश दिया था, जिसके आलोक में टीम तैयार कर देर रात से छापेमारी की गई। खनन निरीक्षक ने बताया कि जब्त किए गए ट्रैक्टर एवं गाड़ी मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दीपावली तो अपने आप में बहुत खुशी का त्यौहार है, सब लोग खुशियाँ मनाते हैं अपने घरों में, और छठ में सूर्य देव की आराधना की जाती है। मैं ऐसे अवसर पर अपने विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकों, शिक्षेत्र कर्मियों एवं छात्र छात्राओं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। पूरे जिले वासियों को और विशेषकर हमारे जो शहरवासी हैं उनको मेरी तरफ से प्रकाश के पर्व दिवाली, काली पूजा और लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं, मेरी अपील यही है सभी लोगों से, जो पर्व है उसको पूरे मूल भावनाओं के साथ, सद्भाव के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएँ। और जो भी पुलिस या प्रशासन का गाइडलाइंस जारी किया गया है, चाहे वो ट्रैफिक का हो या जहाँ जहाँ फोर्स डेपुटेशन है या फिर जो सोशल मीडिया है, उन सभी गतिविधियों पर लगातार पुलिस की नज़र है। उन सभी का अनुपालन करें और सतर्क रहें और शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरे त्यौहार को मनाएं और सहयोग करें पुलिस के साथ। दिवाली और छठ त्यौहार पर मेरी तरफ से पूरे भागलपुर वासियों को शुभकामनाएं। ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मैं ये बात जरूर बोलूँगी, इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ और उसके पैराफर्नेलिया के अंदर अच्छे से मनाएं। लेकिन यह ख्याल रखें कि डेंगू और इस तरह की बीमारियां हम लोगों को पकड़े हुई है और इस पिछले 3 महीने में बहुत सारे लोगों की जान चली गई। डेंगू मच्छर के जरिए से फैलता और मच्छर हर उस गंदगी के जमाव पर आता है। चुनांचे घाट पर जाएं या आप मेले में घूमें, जहां भी घूमें, इस बात को याद रखिए, जिस चीज को भी आप फेंकते हैं वो आपके लिए बवाले जान बन के बैठा है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए प्रॉपर कूड़ेदान का मांग भी आप करिए, और जो चीज भी गोलगप्पा खाएं या आप घाट पर किसी सामान को फेंकें या कुछ भी करें, याद रखिएगा कूड़ेदान ही में फेंकें। और हम अपनी सेहत के जिम्मेवार हम ही हैं, सरकार नहीं है। तो हम खुद इस बात का ख्याल रखें, हम खुद इसके लिए प्रोटेस्ट करें या हम खुद इस बात का ध्यान दें कि जहां जहां घाट लगा हो, जहां मेले लगे हैं, वहां पर हम कूड़ेदान का व्यापक अरेंजमेंट हो, ताकि हम गंदगी की चीज़ों को वहां रख सकें, फेंक सकें। ये कल्चर को हम अगर नहीं प्रोत्साहन देंगे तो शायद हम जितना फायदा नहीं उठाते हैं उतना बीमारी पटाकर हम उससे ज्यादा नुकसान सह लेते हैं। दीपावली हमारा एक बहुत बड़ा पर्व है जिसको हम लोग धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इसमें हमारा जो आतिशबाजी होता है, इसमें जो हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, इस पर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि आतिशबाजी सुरक्षित वातावरण में करें और ज़्यादा आतिशबाजी से बचें। तो शुभ दीपावली। साथ ही हमारा जो आस्था का पर्व छठ है, तो ये एक पवित्र पर्व है, इसके लिए भी सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार भागलपुर वासियों, दीपावली का त्यौहार आ गया है, इसमें हम रोशनी का पर्व के तौर पर और लक्ष्मी पूजन के तौर पर इसको मनाते हैं, साथ ही साथ अपने घर आंगन को साफ करते हैं। जरूरत है अपने मन को भी साफ करने की।
हम अपने मन को उज्ज्वल रखें, अपने घर परिवार सबको उज्ज्वल रखें। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को है। इसके बाद हमारा आस्था का पर्व छठ आता है। छठ बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है और इसमें हम षष्ठी मैया की पूजा करते हैं, घाट पर जाते हैं और सूर्य को अर्घ्य डालते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि वहां पर हम लोग सावधानी बरतें, पानी में जब जाएं तो ध्यान रखें कि कोई उसमें खतरा न हो। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चे जो पटाखे वगैरह छोड़ते हैं वैसा कुछ न हो कि छठ व्रतियों को या किसी और को किसी तरह की कोई इंजुरी हो जाए। मेरी ओर से छठ पर्व और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर हेलोमेट्स परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिवाली जो जैसे है कि हम लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश का पर्व है, तो इसमें हम लोग सभी मिल करके अपने भाईचारे के साथ दिवाली का उत्सव मनाएंगे और अपने आस पड़ोस गली मोहल्ले घर को और अपने मन को भी स्वच्छ करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस साल मतलब दिवाली पर हम लोग पटाखों को संपूर्ण बैन भी रखा गया है, तो हम लोग पटाखों को नहीं जलाकर अपने वातावरण को शुद्ध और सुरक्षित रखेंगे। और साथ में छठ पूजा के इस पावन मौके पर हम लोग सारे भाई बंधु मिल करके छठ पूजा का भी त्यौहार मिलजुल कर मनाएंगे और इसमें भी गंगा जी के घाट पर जैसे जा करके छठ पूजा मनाते हैं तो वहाँ पर भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। हमारा आप सभी से निवेदन है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। समस्त देशवासियों को दीपावली, काली पूजा और आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पर्व खुशियों के लिए आता है, लेकिन असावधानियों के चलते पर्व के त्यौहार के उमंग में बाधा नहीं पड़ जाए, इसलिए सावधानी रखें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटाखों पर बैन किया गया है, देश हित में किया गया है, पॉल्यूशन के मद्देनजर किया गया है। हमारा कर्तव्य है कि इसका पालन करें। साथ ही छठ में पानी के समीप हम लोग जाते हैं, महिलाओं बच्चों का विशेष ध्यान रखें, कोई दुर्घटना नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। दीपावली के प्रकाश पर्व एवं छठ के आस्था पर्व पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं भारत के सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि पुनः भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत कर देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश के प्राइम मिनिस्टर बनाए। प्रकाश पर्व, दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ भागलपुरवासियों को। दोनों ही पर्व को आनंद पूर्वक मनाइए और सुरक्षित तरीके से मनाइए। ग्रीन दीपावली मनाइए और छठ में घाट पर खूब आनंद उठाइए, ठेकुआ खाइए। धन्यवाद। मैं भागलपुर की आवाम को अम्मा जी सेवा केंद्र की तरफ से दीपावली एवं छठ पर्व के लिए सबको बधाई देता हूँ। जो छठ पर्व है, ये आस्था का पर्व है, लोग इसको सब जो है प्रेम और सौहार्द से मनाएं और भागलपुर में शांति और सद्भाव बनाए रखें। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सौरभ सुमन है। मैं प्रखंड जगदीशपुर में नवनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्त हुआ हूँ और मैं समस्त प्रखंड वासियों को धनतेरस, दिवाली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि सेफ दिवाली, बिल्कुल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली दिवाली मनाने का आग्रह करता हूँ। और छठ पे भी हम लोग को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, घाटों पर
और तमाम सावधानी बरत के हम लोग अपने त्यौहार को बहुत सुरक्षित मनाएंगे और प्रखंड प्रशासन का इसमें पूरा सहयोग रहेगा। नमस्कार, पूरे देशवासियों को दीपावली और महापर्व छठ पर न्यूज अंग बिहार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ साथ आने वाले महापर्व छठ पर धूमधाम से देशवासी मनाए। जरूरी बातें हैं आप लोग से कर हैं कि बच्चों को छठ घाट पर लेकर के जाएं, हाथ न छोड़ें, पटाखा न छोड़ें, बैरिकेटिंग में ही स्नान करें, दलदली घाटों पर स्नान न करें और नौका परिचालन न करें। सभी देशवासियों को छठ और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बार बार देशवासियों को पूर्व इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा नमन करता। मैं मोहम्मद शेर खान, पार्षद पति, वार्ड नंबर 44। दीपावली और छठ के महापर्व के अवसर पर सभी वार्ड वासियों, शहर वासियों और देशवासियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों प्यार और आपसी भाईचारा के साथ पर्व मनाएं। धन्यवाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के भीकनपुर स्थित S ग्लोबल स्कूल में दीपावली की पूर्व संध्या पर कक्षा KG से 10वीं तक के बच्चों के बीच रंगोली एवं दीप सज्जा की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने विभिन्न थीम पर रंगोली बनाई। वहीं कक्षा 10 के बच्चों ने रंगोली में चंद्रयान को उकेरा, जिसे प्रथम पुरस्कार, एवं कक्षा 7 के बच्चों ने G20 की थीम बनाई, जिसे द्वितीय पुरस्कार, और कक्षा 6 के बच्चों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की थीम तैयार की, जिसे तृतीय पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा सभी कक्षा के बच्चों द्वारा बनाई गई रंगोली भी सराहनीय रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी बच्चों के साथ साथ शिक्षिका सुनीता कुमारी, चेतना कुमारी, गुड़िया मेहर, शालू शबा, अशफा रीमा, शिक्षक अंजनी कुमार, गौरव कुमार, दीपक कुमार, नवल किशोर मिश्रा ने बच्चों को दिशा निर्देश दिया। प्राचार्य प्रमोद मिश्रा ने बताया कि हमारे बच्चों ने अपनी रंगोली के माध्यम से मुख्य रूप से देश में हो रहे विकास को दर्शाया है। दीप डेकोरेटिंग करते हुए अन्य बच्चों ने इस बार भी इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का संकल्प लिया। वहीं S ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल प्रमोद मिश्रा ने सभों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान विभाग में स्मार्ट क्लास कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल का कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल द्वारा रिबन काट कर उद्घाटन किया गया। बता दें कि यह स्मार्ट क्लास रूसा के अंतर्गत इक्विटी इनिशिएटिव स्कीम के तहत बनाया गया है। वही स्मार्ट क्लास का उपयोग ऑनलाइन टीचिंग,
कॉन्फ्रेंस रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। इसको लेकर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत इस सुविधा का उपयोग शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए जरूरी है। स्मार्ट क्लास का लाभ पीएमयू के सभी कॉलेज विभाग एवं कार्यालय ले सकते हैं। साथ ही कुलपति ने कहा कि जिस शिक्षक का वीडियो अच्छा रहेगा उसका वीडियो दूसरे विश्वविद्यालय में डॉक्यूमेंट्री बनाकर सेल भी किया जाएगा और उस सेल से जितने भी रकम होंगे वह उस शिक्षक को दिया जाएगा। वही उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर एच के चौरसिया, संचालन डॉक्टर विवेक कुमार सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन मनीषा मिश्रा के द्वारा किया गया। मौके पर विभिन्न संकाय के डीन, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, विभिन्न कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक तरह का समझिए कि स्टूडियो टाइप हो गया, यहाँ पर शिक्षक पढ़ाएंगे। स्मार्ट क्लास जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं उसी तरह से मान लीजिए TNV कॉलेज में अगर कोई शिक्षक नहीं है फिजिक्स का तो यहाँ फिजिक्स के टीचर यहाँ क्लास लेंगे, वहाँ के छात्र भी इस तरह से लगा हुआ हो गया स्मार्ट क्लास, यहाँ से पढ़ाएंगे और वो बातें वहाँ पर प्रसारित। तो जो शिक्षकों की कमी है उस कमी को दूर करने के लिए ये जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और स्मार्ट क्लासरूम बनाया गया। साथ ही साथ इसमें जो अच्छे शिक्षक होंगे जिन्होंने अच्छा लेक्चर दिया है मैं उनका CD भी बनवाऊंगा और उस CD को अगर वो बहुत अच्छा लेक्चर हुआ तो उसको सेल करने का भी काम करेंगे। उन्हें दूसरे विश्वविद्यालय के अगर चाहें तो वहाँ के मतलब वह विश्वविद्यालय खरीदेगा, यहाँ के जो अच्छे सिस्टम का जो रिकॉर्डिंग है अच्छे शिक्षकों का उसे भी मतलब कुछ इनकम भी आ सकता है, ऐसी मेरी सोच है। आपको बता दूं कि पढ़ाने के 2-3 माध्यम, एक तो है कि ब्लैक बोर्ड वाला सिस्टम, ब्लैक बोर्ड पर टीचर पढ़ाते हैं, दूसरा सिस्टम है कि लेक्चर देना, कहीं पर लेक्चर दे जाओ वहाँ पर मैंने उसको ऑडियो बोलते हैं वीडियो नहीं, लेकिन बेस्ट टीचिंग मेथड अगर हो सकता है तो वो है कि ऑडियो एंड वीडियो, कहने का मतलब शिक्षक बोले भी और छात्र उसको देखेंगे। जैसे हम TV में ज्यादा आकर्षण क्यों होता है क्योंकि उसमें बोलता भी है जो नायक होता है या जो भी और साथ साथ उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो इससे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा और बच्चों को ज्यादा फायदा होगा इसके माध्यम से पढ़ाई करने से, ऐसा मेरा सोचना है। त्योहार के आते ही शराब कारोबारी और तस्कर शराब की खेप ले जाने के लिए कई तरह के जुगाड़ लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। गुप्तचरों और सूत्रों की मदद से शराब कारोबारी और तस्कर का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पुलिस के इतने सक्रिय होने के बावजूद अवैध कारोबारी और शराब तस्कर शराब खपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वही गुप्त सूचना के आधार पर नाथनगर थाना पुलिस ALTF और CIAT के द्वारा संयुक्त रूप से बाबू टोला मोहल्ले में छापेमारी की गई। इस दौरान 17 कार्टून में कुल 258 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया, जबकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 1.5 से 2 लाख रुपए बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक काली पूजा में इस शराब को खपाने की तैयारी थी। वही मामले पर नाथनगर थानेदार मोहम्मद मेहताब खान ने कहा कि गुप्तचरों से मिली सूचना के आधार पर नाथनगर थाना पुलिस एंटी लीकर टास्क फोर्स और CIAT-4 की मदद से अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया है। फिलहाल शराब तस्कर का पता लगाया जा रहा है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। DM और SSP ने शहर के विभिन्न घाटों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने का दिया निर्देश। दिवाली पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया रेशमी शहर, पूजा पंडालों में गूंजने लगे भक्ति गीत। पहली बार बहुउद्देश्य प्रशाल में लगा छात्र दरबार, कुलपति ने दिव्यांग समेत 556 छात्रों को दी डिग्री। बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, खनन विभाग ने की कार्रवाई। और रंगोली प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने मारी बाजी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही।
नमस्कार।